न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट सुगत और आज मैं आप सभी के लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसमें हम बात करेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। जी हां, ये तो आप सभी जानते हैं, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो चुका है, जिसके बाद से पूरे देश, पूरी राजनीति और साथ ही साथ पूरे बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें, उनके निधन का दुख हर किसी को है, हर कोई सदमे में है। सोशल मीडिया पर उन्हें कई लाखों करोड़ों लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हर कोई भावुक होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे फिर वो राजनीति की बात हो, बॉलीवुड की बात हो या फिर आम आदमी की बात हो, कोई भी इस बात को सहन कर ही नहीं पा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी अब हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम में बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी का बॉलीवुड से कैसा कनेक्शन था। वो बॉलीवुड में भी उनका अच्छा खासा कनेक्शन था और आपको कई और बातें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में इस खास प्रोग्राम में जानने को मिलेंगी। तो फिर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानते हैं कि आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी का बॉलीवुड में किस किस से कनेक्शन था, बॉलीवुड में उन्होंने कैसे कैसे लोगों से मुलाकात की है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद से पूरा देश, पूरा बॉलीवुड और राजनीति में शोक की लहर दौड़ चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं, बल्कि उनका साहित्य, कविताओं और फिल्मों से भी गहरा नाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का बॉलीवुड के साथ एक अलग जुड़ाव रहा है। वो समय समय पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलते रहते थे। तो फिर आइए डालते हैं नजर उनकी कुछ तस्वीरों के ऊपर। हम बात करेंगे पहली तस्वीर के ऊपर, तो हम आपको बता दें, इस तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर संजीव कुमार और एक्ट्रेस राखी गुलजार के साथ नजर आ रहे हैं। संजीव कुमार अटल जी को किसी खास बात को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि राखी गुलजार दोनों की बातों को काफी ध्यान से सुनती हुई नजर आई हैं। वहीं अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी तस्वीर की, तो आपको बता दें, ये एक काफी स्पेशल तस्वीर है जो 2000 में खींची गई थी। इस समय फिल्म हमारा दिल आपके पास है की टीम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर गई थी। बोनी कपूर फिल्म के निर्माता थे, इस कारण श्रीदेवी भी तस्वीर में मौजूद थी। उनके साथ विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद थी। सभी लोग इस तस्वीर में काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तीसरी तस्वीर की, तो आपको बता दें, इस तस्वीर में अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों आराम से बैठकर किसी खास मुद्दे पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अटल जी को साहित्य से बहुत ज्यादा प्यार था, ऐसे में हो सकता है कि वो दिलीप कुमार से किसी साहित्य को लेकर चर्चा कर रहे हों। वहीं अगर बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी तस्वीर के बारे में, तो आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें हेमा मालिनी की साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने उस फिल्म को 25 बार देखा था। इस तस्वीर में हेमा मालिनी के साथ साथ विनोद खन्ना भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं आखिरी तस्वीर की अगर बात की जाए, तो आपको बता दें, आखिरी तस्वीर में अटल बिहारी वाजपेयी बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर रहे देवानंद के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं, दोनों के गले में माला टंगी हुई है। ये तस्वीर किसी पार्टी की हो सकती है, क्योंकि दोनों के गले में मालाएं नजर आ रही हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया। हाल ही में गुरुवार को लंबी बीमारी के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और उनका निधन 93 वर्ष में हुआ। तो वहीं उनके जाने से देश में शोक की लहर है, साथ ही साथ आम लोगों से लेकर राजनेताओं, खेल और बॉलीवुड हस्तियां लगातार अपना शोक प्रकट कर रही है। हाल ही में
सुरों की मलिका यानी लता मंगेशकर ने प्रधानमंत्री के जाने से दुख जताया है। तो वहीं लता ने कहा है कि अटल जी को मैं जानती थी, उन्होंने मुझे बेटी बनाया था और मैं उन्हें दद्दा नाम से बुलाती थी। वो मुझे बेहद प्यार करते थे, वो मेरे पिताजी जैसे थे और मुझे वैसा ही दुख हो रहा है जिस दिन मेरे पिताजी ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। एक महान कवि, महान लेखक और महान साधु पुरुष हमारे बीच से चला गया। मैं अटल जी से बेहद ज्यादा नहीं मिली हूँ, मैंने उनके लिए बहुत कविताएं, उनके लिए रिकॉर्ड्स भी इकट्ठे कर रखे हैं। तो देखा आपने, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ उनका बॉलीवुड में भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा था। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और भी कई बड़े बड़े सितारों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का काफ़ी अच्छा रिश्ता था। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता था, जिसके बाद से हर बॉलीवुड का बड़ा सितारा उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, हर कोई भावुक होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, हर कोई सदमे में है, चाहे राजनीति की बात हो, आम आदमी की बात हो या फिर बॉलीवुड की बात हो, हर कोई सोशल मीडिया पर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए ही श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट 9 न्यूज और बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।